Everyone, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को थोड़ी देर में। जस्ट थोड़ा सा वेट करें ताकि बाकी लोग हमें ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं ताकि बाकी लोग हमें ज्वाइन कर लें और उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक बात बता दें कि आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। ओके गुड 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 गुड। राइट नाउ हम थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग अगर ये शेयर कर सकते हैं तो काइंडली इसको शेयर भी कर दें। तो अभी राइट नाउ 10:07 और इंशाल्लाह 10:10 में इसको स्टार्ट कर देंगे। तो राइट नाउ 3 मिनट मजीद वेट करते हैं कि बाकी लोग भी आ जाए ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है तो कुछ लोगों को स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह आज जो लेक्चर होना है इसके अंदर आपके बहुत से जो डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे थे ग्रुप में तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, और उसके अलावा जो मजीद आपके क्वेश्चन होंगे इस कोर्स से रिलेटेड वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे इस कोर्स के अंदर पूछूंगा। इंशाल्लाह ये तमाम चीजें आपके जितने भी क्वेश्चन है ना तमाम के तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके 2 मिनट रहते हैं मजीद, तो बाकी लोग अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनको भी मैसेज कर दें ये लिंक ताकि वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लें और अपनी वॉल पे शेयर कर सकते हैं, इसको लाजमी शेयर करें। जस्ट 2 मिनट मजीद है। वालेकुम सलाम। हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं।
एक मिनट रहते हैं जी, लास्ट मिनट है, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये तमाम चीजें मैं आपको आज बताता हूँ। चलो जी, टाइम हमारा हो गया है तो लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बता दें क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है? क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है, जल्दी से बताएं। ओके, ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्डप्रेस कोर्स। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा वर्डप्रेस के बारे में, वेबसाइट बनानी कैसे है, डिजाइन कैसे करनी है, क्लाइंट को डिलीवर कैसे करना है ऑर्डर, क्लाइंट से ऑर्डर लेना कैसे है, ठीक है, इससे अर्निंग कैसे करनी है स्किल से। तो ऑलमोस्ट ये आपके पास 7 gigs आप प्रोवाइड कर सकोगे इसके बाद, ठीक है। और ये 7 gigs आप तकरीबन $1,000 $1,000 जो कि आजकल बनते हैं तकरीबन 1,60,000 रुपए, ठीक है, आप इतना अर्न कर सकते हो इस कोर्स को अगर आप प्रॉपर एंड तक, ठीक है, करोगे और प्रैक्टिस भी करोगे तो ये आप इतना अर्न कर सकोगे। तो जी, इसके लिए मैं एक हैशटैग जो ग्रुप में यूज करूंगा, हमारा जो ग्रुप है पाकिस्तान प्रो ट्रेनर्स, उसके अंदर हैशटैग बूम बूम वर्डप्रेस आप लोगों ने भी यूज करना है और मैं भी यही यूज करूंगा, ठीक है। तो मेरा नाम शाहजेब उल हसन है और ये जो कोर्स है ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने इस कोर्स की तरफ कि इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, सबसे पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अभी स्क्रीन आपको शो हो रही है इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें आप काइंडली, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसकी पिक्चर बना लें। ये बात याद रखें, आप में से तीन स्टूडेंट जो सबसे एक्टिव होंगे और जिनकी असाइनमेंट सबसे अच्छी होगी, तीन स्टूडेंट को मैं पर्सनली गाइड करूंगा इस वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे वेबसाइट हम बनाएंगे, उस वेबसाइट की एसईओ करना, कि उसकी वेबसाइट कैसी हो, कैसे करनी है, कौन से कीवर्ड पे काम करना है, कौन से नहीं करना। मैं उन तीन स्टूडेंट को $200 से $400 पर मंथ वेबसाइट से अर्निंग वाली, मतलब वेबसाइट उनको इंशाल्लाह गाइड करके उनकी वेबसाइट इस तरह से बना दूंगा कि $200 से $400 पर मंथ उनकी अर्निंग आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं तीन स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा जो सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे और असाइनमेंट पे प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है, जो मुझे लगेगा कि यार ये बंदे बहुत एक्टिव है। तो तीन स्टूडेंट्स ये याद रखें, आप $200 से $400 का मतलब ये है कि आपके ऑलमोस्ट 60,000 पर मंथ आप अर्न कर सकोगे, ठीक है। तो ये जो होगा ये तीन स्टूडेंट मैं लास्ट में बताऊंगा। उसके अलावा जितने स्टूडेंट एक्टिव होंगे, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है, मेरी जो टीम होगी वो उनकी लिस्ट बनाएगी कौन से स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट की है, उन लोगों को $1,000 worth थीम और प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट थीम और प्लगइन, ठीक है, जो मैंने लिए हुए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर। मतलब यह है कि आपका इतना ज्यादा ये प्रीमियम थीम का, प्रीमियम प्लगइन्स का खर्चा भी बच जाएगा, ये और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगी अगर आप असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करेंगे और क्या एक्टिव रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा तीन लेक्चर होंगे जो एंड पे, जिसमें अर्निंग का ही बताया जाएगा, वेबसाइट से अर्निंग कैसे करनी, ये तो है ना कि वर्डप्रेस यूज कैसे करना है, ये तमाम चीजें
एंड पे जो 3 लेक्चर होंगे वो प्रीमियम होंगे, वो सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जो एक्टिव हैं, ठीक है, जो एक्टिव हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया। अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया वो पोस्ट कर दें ग्रुप में हमारी टीम, अगर कोई इशू आ रहा है तो वो आपका नाम वहां पर एंटर कर देंगे। तो ये 3 लेक्चर सिर्फ उन लोगों को होंगे, ये मतलब यूट्यूब पर नहीं होंगे, ये उन लोगों के लिए होंगे जो रजिस्टर होंगे और एक्टिव होंगे। एक्टिव मतलब असाइनमेंट जो भी चीजें दी जाएंगी वो टाइम पर सबमिट करेंगे। तो जी अगर ये तीनों चीजें आप हासिल करना चाहते हो और रेडी हो इस कोर्स के लिए, तो काइंडली सब लोग एक दफा बूम बूम टाइप कर दें, काइंडली सब लोग एक दफा बूम बूम टाइप कर दें। ओके जी, जबरदस्त। ओके जी, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त जबरदस्त रिस्पॉन्स है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। सबसे पहली चीज अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, और आपको ये लगता है कि सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ना मुझे कोडिंग आती है, ना मुझे कोई और काम आता है, ठीक है, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ क्लिक कहीं पर करना है तो मुझे बता दें, वहां से कोई पैसे मिलते हैं तो बता दो, ठीक है, या मुझे वैसे कोई तरीका बता दें कि मैं पता नहीं आराम से सोया रहूं बैठा रहूं और मेरे पैसे बन जाए, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको एक क्लियर कर दूं, ये जो डिफरेंट लोग होते हैं ना, ये डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर होते हैं, मतलब उनकी कोशिश होती है कि बस क्लिक करना पड़े पैसे मिल जाए। देखो इस तरह की चीजों में नहीं मिलता, आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो ये आप लोगों के लिए मौका है कि मैं एक चीज आपको, ये जो 5,000 रुपीज इसके चार्जेस है, आपको एक फ्री चीज मिल रही है, तो आपके पास एक मौका है कि स्किल को सीखो। इसके बाद इस स्किल से जो आप अर्निंग करोगे वो अर्निंग आप मतलब एक प्रॉपर तरीका होगा, ठीक है, और उसमें कभी आपको किसी किस्म का कोई इसके अंदर स्कैम वगैरह का कोई खदशा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी मेहनत है। तो अगर आपको ये लगता है कि सर मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोडिंग भी नहीं आती, तो क्या मैं वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकता हूं? तो पहली चीज याद रखो, वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाने का मकसद यही है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आपको C++ या और भी CSS HTML वगैरह का खास नॉलेज नहीं है, तब भी आप इसके ऊपर वेबसाइट बना भी सकते हो, सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हो। कैसे? ये हमारे पूरे कोर्स अगर आप लोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये चीज करना कितना आसान था। काश ये चीज मुझे पहले पता होती, मैं तो ऐसे ही ये छोटी मोटी चीजों के अंदर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप में से जितने लोग हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन है ना अभी ये कि सर मुझे कुछ नहीं आता, पता नहीं मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि इसको पूरा कोर्स लेने के बाद आप ना सिर्फ अपनी वेबसाइट बना सकोगे बल्कि डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकोगे। तो जी स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस कोर्स। तो वर्डप्रेस कोर्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई वर्डप्रेस? भाई हम वर्डप्रेस पे क्यों काम करने लगे हैं? तो यहां पर मैं आपको क्लियर करता चलूं कि वर्डप्रेस एक्चुअली क्या है, ये वेब पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब जिसके जरिए हम अपनी वेब को पब्लिश कर सकते हैं। और हम वर्डप्रेस को क्यों यूज करते हैं? वर्डप्रेस को हम इसलिए यूज करते हैं कि ये आसान है यूज करना। मतलब मैं अब आपको ये प्लेटफॉर्म जो सिखाने जा रहा हूँ, देखो इसमें सबसे अच्छी बात ये बहुत आसान है, आप आराम से यूज कर सकते हो। वेबसाइट के अंदर हर किस्म की चेंजिंग करनी है, वेबसाइट को टोटली कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरी चीज ये SEO फ्रेंडली है, मतलब गूगल के ऊपर इसको रैंक करना भी क्या है, आसान है। क्यों? क्योंकि गूगल पसंद करता है वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने। अब यहां से अंदाजा लगा लो कि कम अज कम 1.3 बिलियन लोग जो हैं वो वर्डप्रेस को यूज कर रहे हैं वेबसाइट्स के लिए। बहुत सी टॉप पॉपुलर वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनी हुई है, इवन के लोग लाखों क्या करोड़ों कमा रहे हैं इन्हीं वेबसाइट से, जो जितनी वेबसाइट से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो भी तमाम की तमाम कहां पर बनी हुई है, वो वर्डप्रेस पर ही बनी हुई है।
तो जी ये इतने ज्यादा लोगों में इंशाल्लाह आप लोग भी शामिल होने वाले हो ये वर्डप्रेस का कोर्स करने के बाद। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग जो होंगे वो बहुत प्रोफेशनली सीखेंगे और इसको प्रोफेशनली यूज भी करना सीखेंगे। अच्छा तो ये जी सॉफ्टवेयर तो बहुत आसान है, ये हमने हमने देख लिया है, तो इसको जब यूज करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे तब हमें ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा। अच्छा वर्डप्रेस पर हम स्टार्ट वेबसाइट जब करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में एक आता है कि सर वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना आप सिखा रहे हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए कोई ना कोई चीज तो चाहिए होगी, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? तो याद रखो पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट आप बना किस चीज पे रहे हो, ये सबसे पहली चीज ही है ना। मतलब आपने एक सपोज करो आप चाहते हो, आप घर वालों को कहते हो कि एक बिजनेस करना है, ठीक है, आपके घर वाले आपसे क्या पूछेंगे? सबसे पहले तो ये पूछेंगे ना कि किस चीज का बिजनेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है, आपने एक वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज पर वेबसाइट बनाने लगे हो। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज है जो हमें हमेशा पता होना चाहिए वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनाने के लिए, कि निच क्या है। इसको हम नीश भी कहते हैं और इसको निच भी कहते हैं। तो निच क्या है जी? तो निच कहते हैं हम किसी भी पार्टिकुलर ऑडियंस को, ठीक है, पार्टिकुलर मार्केटिंग, हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑडियंस है उसको हम कहते हैं निच। अब इसको मैं मजीद आसान अल्फाज में समझाता हूँ आप लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये चीज जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी आप अपनी वेबसाइट को कामयाब नहीं बना सकते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूं समझ लो ये बेस है, ये पहली ईंट, ये जिसकी सही लग गई उसके आगे पूरी इमारत अच्छी बनेगी। अगर ये पहली ईंट गलत लगी तो ये पूरी इमारत, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, मेहनतें करते रहो, जो मर्जी करते रहो, आपकी वेबसाइट जो है नहीं चल सकेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इससे पहले जो यूट्यूब का लेक्चर था उसके अंदर भी चीज बताई थी, लेकिन मैं इसके अंदर दोबारा से बताने का मकसद ये है ताकि आपको ये चीज इस हिसाब से भी क्लियर हो जाए। तो जी मैं इसको बताने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पेंट इट पे इसको समझाऊंगा आपको। लेट मी शेयर, ओके जी, ओके जी, आपको यहाँ पर पेंट इट मैंने ओपन किया, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। सबको नजर आ रही है? सबको नजर आ रही स्क्रीन? जल्दी से बता दें। ओके ओके जी, गुड हो गया। अच्छा अब मैं आपको यहाँ पर मेरा मेन मकसद ये था कि आपको समझा सकूं, इसकी बेसिक आपको समझा सकूं कि निच है क्या, हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जब भी हम वेबसाइट की बात करते हैं ना, मतलब ऐसे ही जब हमें वेबसाइट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, ऐसे दोस्तों के साथ बैठते थे, ठीक है, तो हम सोचते थे यार एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर ना क्या करूंगा मैं, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, हॉकी भी, सारी दुनिया की स्पोर्ट्स डाल दूंगा, ठीक है, क्रिकेट वाले भी आएंगे, फुटबॉल वाले भी आएंगे, हर किस्म के लोग आएंगे, ठीक है, तो जी वेबसाइट पे तो इतनी ज्यादा ऑडियंस हो जाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी वेबसाइट पे, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम तमाम लोगों की थिंकिंग होती है जब हम बिल्कुल नए नए होते हैं, ठीक है। तो अब ये एक मैं सर्कल बना रहा हूँ, इस सर्कल के अंदर वो तमाम चीजें रखूंगा जिसके ऊपर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप में से कोई कहेगा स्पोर्ट्स पे बनाना चाहता है, ठीक है, कोई बंदा कहेगा कि मैं जी एजुकेशन पे बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर एजुकेशन की सारी चीजें आ जाएं, ठीक है, कोई बंदा कहेगा कि भाई मैं कपड़ों पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कोई बंदा कहेगा कि भाई मैं शूज सेल करना चाहता हूँ, कोई बंदा कहेगा कि मैं अपना
ऑनलाइन स्टोर के अंदर कोई और चीज बेचना चाहता हूँ, लाइक शर्ट्स, ठीक है, और कोई बंदा कहेगा कि भाई मैं अपनी सर्विस देना चाहता हूँ, मैं वेबसाइट की सर्विस देना चाहता हूँ, कोई बंदा कहेगा मैं सर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं उसके लिए बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो हर बंदा डिफरेंट चीज कहेगा और हमने उसको कर दिया एक सर्कल के अंदर, ठीक है। अब सपोज करो आप इतने सारे लोग हो, आप लोगों ने भी कोई ना कोई सोचा होगा कि भाई मैंने, कुछ लोग कह रहे हैं हमने ब्लॉग बनाना है, ठीक है, ब्लॉग भी बनाना है तो वो भी कोई टॉपिक होगा ना, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैंने पॉलिटिक्स पे ब्लॉग बनाना है, कुछ कोई डिफरेंट चीज कहेगा कोई और, ठीक है, मतलब तमाम लोगों की ये डिफरेंट चीजें हैं, उसको मैंने एक सर्कल के अंदर रखा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं नीच की। अब एक चीज याद रखो, आप लोगों की थिंकिंग ये है कि सर अगर मैं स्पोर्ट्स पे वेबसाइट बनाऊंगा तो स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल भी आएगी, हॉकी भी आएगी, बैडमिंटन भी आएगा, ठीक है, और स्क्वाश भी आएगी, और भी डिफरेंट चीजें आ जाएंगी, तो मैं इतने ज्यादा लोगों को जब इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा तो फिर तो मेरे तो ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है ना, हम सबके यही थिंकिंग होती है कि बहुत बहुत ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, नीच का मतलब है स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक मार्केटिंग ऑडियंस जिसको हमने टारगेट करना है। अगर हम ज्यादा की टारगेट करेंगे तो मसला क्या होगा, अब ये देखो मसला, अब इसमें से हम ले लेते हैं स्पोर्ट्स, ठीक है, आप बहुत से लोग हैं, अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं सर हमने सिर्फ स्पोर्ट्स पे काम करना है, तो अभी मैं ये बाकी खत्म करके सिर्फ स्पोर्ट्स को इसके अंदर रहने देता हूं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें आ जाती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, हॉकी भी आ जाती है, ठीक है, फुटबॉल भी आ जाती है, क्रिकेट भी आ जाती है, ठीक है, बैडमिंटन भी आ जाती है, ठीक है, बॉक्सिंग भी आ जाती है, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। जब आप कहते हो कि सर मैं स्पोर्ट्स के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो अब क्या होगा, अब हमने क्या करना है, जिस चीज के ऊपर हमने वेबसाइट बनानी है हमने क्या देखना है कि हमारा, हमने उस वेबसाइट से रिलेटेड तमाम लोगों को हराना है, ठीक है, उस वेबसाइट से रिलेटेड तमाम लोगों को हरा के हमने ऊपर आना है। सारी बात है ना, हर कोई ये चाहता है कि गूगल के ऊपर मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर आने के लिए आपने क्या करना है, बाकी तमाम लोगों को हराना है। अब मुझे एक बात बतानी है आप लोगों ने, अब आप लोगों ने मुझे एक बात बतानी है कि एक क्लास के अंदर 100 बच्चे और दूसरी क्लास के अंदर सिर्फ 30 बच्चे, तो कौन सी क्लास में फर्स्ट आना आप लोगों के लिए आसान होगा, 30 बच्चों वाली क्लास में फर्स्ट आना आसान है या 100 बच्चों वाली, जल्दी से बताओ, बिल्कुल, तो आप सबका आंसर है कि 30 वाले में हमारे लिए ज्यादा आसान है, ठीक है, कि हम 30 वाले बच्चों में फर्स्ट आना आसान है, तो इसका मतलब ये हुआ जहां पर लोग कम हो वहां पर कंपटीशन हमारा कम हो जाता है, ये बात क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, अगर हम, मैं कहता हूं मैं स्पोर्ट्स में वेबसाइट बनाऊंगा, अब जितने लोग हॉकी वाले पे काम कर रहे हैं, अब सपोज करो पूरी दुनिया में अगर 10,000 लोग हॉकी पर वेबसाइट बनाई हुई है, तो इन सबको भी हमने हराना है, हॉकी वालों को भी हराना है। फिर हम बात करते हैं फुटबॉल वालों की सपोज करो 50,000 लोगों ने बनाई हुई, इसको भी हराना है हमने। फिर क्रिकेट वालों को भी हराना है, फिर बैडमिंटन वालों को भी हराना है, फिर हमने बॉक्सिंग वालों को भी हराना है, मतलब हमने इन सब लोगों को हराना है अगर हम स्पोर्ट्स पे बनाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब बात ये आती है, आप कहोगे कि सर इतने लोगों को हराना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतने ज्यादा लोगों को हराना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कम लोगों को हराएं, हमारे लिए ज्यादा बेस्ट क्या है, कम लोगों से मुकाबला करें, ठीक है। सपोज करो आपकी कहीं पर लड़ाई हो जाती है, ठीक है, आपके पहलवान आ जाते हैं, ठीक है, अगर कोई एक बंदा आएगा आपसे लड़ने के लिए तो आप उसको हरा सकते हो, ठीक है ना, एक पहलवान अगर आएगा आप उसको कोशिश कर सकते हो, आपके अंदर हिम्मत होगी कि यार मैं इसको हरा सकता हूँ। लेकिन अगर 10-15 लोग आ जाए और आप अकेले हो तो आप तो वैसे ही कहोगे यार मैं इनको किस तरह हरा सकता हूँ, ठीक है, हराना भी बहुत मुश्किल होगा वो 10-15 लोग। तो इसका मतलब जब ज्यादा लोगों के साथ हमारा मुकाबला होता है
तो हराना मुश्किल होता है। पहली चीज ये याद कर लो, ज्यादा लोगों से मुकाबला होगा, हराना मुश्किल है। ठीक है, ये चीज जहन में बिठा ली। अब देखो, अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं। सपोज करो आपका आपकी गले में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके गले में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने डॉक्टर को चेक कराने जाना है, तो आपकी कोशिश क्या होगी, आपकी कोशिश क्या होगी कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जिसको हर चीज, जो बंदा कहता है कि यार मुझे हर चीज के बारे में पता है, मेरे से भाई इलाज करवा लो, या ऐसा बंदा जिसको गले के बारे में ज्यादा अच्छे से पता हो, मतलब वो स्पेशलिस्ट हो गले के बारे में, आप किसको ज्यादा प्रेफर करोगे, जल्दी से बताओ। स्पेशलिस्ट को प्रेफर करोगे ना, ओके तो मतलब ये देखो, बहुत से लोगों ने यही कहा है कि सर हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को प्रेफर करेंगे। इसका मतलब अभी तक हमने दो चीजें सीखी हैं जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी तक हमने दो चीजें ऐसी सीखी हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कम लोग जीतना आसान, ठीक है ना, ये अभी एक बात हमने सीखी है कि कम लोग होंगे तो जीतना आसान होगा। दूसरी, स्पेशलिस्ट को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, ये दो बातें हमने सीख ली, ये दो बातें हमने अभी एग्जांपल्स के जरिए सीख ली कि कम लोग होंगे और स्पेशलिस्ट होंगे तो वो मुकाबला आसान है। अब इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपने एक होटल ओपन किया, ठीक है, आप होटल के अंदर, उस होटल के अंदर सिर्फ रेस्टोरेंट है आपका, ठीक है, वहां पर आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ पिज्जा और बर्गर दे रहे हो, ठीक है, पिज्जा और बर्गर सर्व कर रहे हो, एक आपका रेस्टोरेंट है, पिज्जा और बर्गर सर्व कर रहे हो, आपके साथ एक नया रेस्टोरेंट बन जाता है बिल्कुल साथ आपके, ठीक है, और वो भी पिज्जा देना स्टार्ट कर देता है। अब मुझे ये बताओ क्या आपको नुकसान होगा उससे कि आपकी शॉप के साथ ही दूसरी शॉप ओपन हो गई है जो कि पिज्जा दे रहा है और आप भी पिज्जा बेच रहे हो, क्या आपको नुकसान होगा इस चीज से? आप तो ये सोचोगे ना कि यार मेरे गाहक जो होंगे वो दूसरा बंदा ना ले जाए, ठीक है, आपके माइंड में ये चीज आएगी कि सर मेरे बंदे वो दूसरा लेके जा सकता है, वो तो बिल्कुल साथ है, जो मेरे पास पहले आ रहे थे वो देखेंगे यार साथ भी, इधर भी चेक कर लेते हैं, उधर जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर सेम चीज जो आप दे रहे हो वो उस इलाके में, ठीक है, अगर किसी और की होगी तो लोग उधर भी जा सकते हैं, मतलब उससे आपका मुकाबला हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज, ये तीसरी चीज मैं बताने लगा हूं, उससे आपका क्या होगा, मुकाबला हो जाएगा, कोई भी बंदा ऐसा आता है जो चीज आप दे रहे हो वही चीज देता है तो मुकाबला हो जाएगा। लेकिन अगर साथ कोई एक और बंदा आता है, ठीक है, वो सिर्फ आइसक्रीम बेचना स्टार्ट कर देता है, क्या उससे आपको नुकसान हो सकता है? उससे आप कहोगे कि यार ये बंदा क्यों आइसक्रीम लगा के बैठ गया है, ये तो मेरे गाहक ले जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ये है कि उसकी चीज अलग है, मेरी चीज अलग है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये चीज देखी कि कंपटीशन हमारा सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो सेम चीज पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हमने तीसरी चीज सीखी, कंपटीशन सेम चीज वालों के साथ, ठीक है, कंपटीशन हमारा सेम चीज के साथ होता है, मतलब हमने ये तीन चीजें सीख ली। अब ये तीन चीजें याद रख लो, कम लोगों में जीतना आसान है, स्पेशलिस्ट हो तब भी आसान है, कंपटीशन जो है हमारा सेम चीज में ही होता है, ठीक है, सेम चीज ना हो तो कंपटीशन हमारा जरूरत नहीं है, बेशक साथ अगर कोई और आ जाता है, जाम वाली शॉप बन जाती है, हमें कोई मसला नहीं, हम तो पिज्जा बेच रहे हैं, साथ अगर कोई टी शर्ट लगा के बैठ जाता है, हमें कोई मसला नहीं, हम तो पिज्जा बेच रहे हैं, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। तो कंपटीशन सिर्फ तब होता है जब सेम चीज में, ठीक है। अच्छा, अब ये तीन चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ये नीच फाइंड करने का मैं आपको मेथड बताने लगा हूं। ये हम क्यों कर रहे हैं सारी चीजें, इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता लग सके कि नीच हम क्यों नीच पे काम करते हैं, क्यों स्पेसिफिक पे काम करते हैं। अच्छा, अब सपोज करो आप कहते हो कि सर मैं एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट बनाना चाहता हूं, ठीक है,
स्पोर्ट्स की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो मैं एक सर्कल बना देता हूँ। ये चीज आप लोगों को मैं इसलिए समझा रहा हूँ, हालांकि ये चीज वर्डप्रेस के कोर्स के अंदर नहीं आती, लेकिन मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि आप अगर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपके पैसे जाया ना जाए, आपको चीजों का पता हो, आप इसको चला सको आगे भी। ओके जी, ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया। आप चाहते हो सर मैंने पाकिस्तान में बनानी है वेबसाइट, मुझे पाकिस्तान के कस्टमर चाहिए, मैं उसके अंदर स्पोर्ट्स की चीजें बेचूंगा या कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो भी है, स्पोर्ट्स की वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, आप अगर स्पोर्ट्स की वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स की वेबसाइट जो है पाकिस्तान में, ये मैंने ग्रीन इसलिए किया है, सपोज करो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आप जितने लोग स्पोर्ट्स पे काम कर रहे होंगे उन सबके साथ आपका मुकाबला होगा ना, क्योंकि वो सेम है, सारे स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपका मुकाबला होगा। अब बेशक वो क्रिकेट में, हॉकी में, जो भी है, आपके साथ मुकाबला होगा। अब सपोज करो यहाँ पर मैं ये सर्कल बना रहा हूँ, एक दो तीन चार, ये पाकिस्तान, ये ग्रीन है, मतलब ये सारे के सारे पाकिस्तान में, ठीक है, आपको ये समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ओके जी, तो यहां पर मैं कर देता हूँ क्रिकेट, एक मिनट आपको नजर आएगा। ओके जी, यहां पर मैंने क्रिकेट कर दिया, यहां पर फुटबॉल, ठीक है, अच्छा यहां पर मैं कर देता हूँ हॉकी, यहां पर बॉक्सिंग, ठीक है। अच्छा, अब आप काम करना चाह रहे हो इस पूरे सर्कल में, अब आप स्पोर्ट्स पे जब काम करोगे, आपका फुटबॉल वालों से भी मुकाबला है, क्रिकेट वालों से भी, बॉक्सिंग वाले से भी, हॉकी वाले से। मैं आपको कहता हूँ कि, ठीक है, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि देखो क्रिकेट के ना पाकिस्तान में 1000 लोग हैं जो क्रिकेट पे, जिन्होंने वेबसाइट बनाई है। फुटबॉल की 500 वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, हॉकी की 300 वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, और बॉक्सिंग की 100 वेबसाइट बनी हुई है पाकिस्तान में। अब आप क्योंकि स्पोर्ट्स पे बना रहे हो, तो आपने इन 500 से भी मुकाबला करना है, इन 1000 से भी, इन 300 से भी, इन 100 से भी, क्यों, क्योंकि स्पोर्ट्स में सारी चीजें आ जाती हैं। तो टोटल कितने लोगों से आपने मुकाबला करना है, 1000 और 500, 1500, 300, 1800 और 1900 लोगों से आपने मुकाबला करना पड़ेगा, 1900 लोगों को आपको हराना पड़ेगा, ठीक है, ये सब आपके कॉम्पिटिशन में, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी सारे स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर मैं 1900 लोगों को नहीं हरा सकता, मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं इतने लोगों को तो नहीं हरा सकता, वो तो इतने ज्यादा लोग हैं, मैं एक और आऊंगा दो को, ये तो बहुत ज्यादा लोग बन जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा तुम निच पर काम करो, ठीक है। आप कहोगे सर वो कैसे, कि मैं कहूंगा आप बजाय स्पोर्ट्स के कोई छोटा टॉपिक चूज करो, मतलब जिसमें कम लोग हों और उनको हराना आसान हो। तो फिर आप कहोगे अच्छा सर चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं निच फाइंड कर लेता हूँ, सर मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शन है नीच की। तो मैं कहूंगा फुटबॉल में देखो 500 लोग हैं, या तो तुम सिर्फ फुटबॉल वालों से मुकाबला करो, या सिर्फ क्रिकेट वालों से, या बॉक्सिंग वालों से, या हॉकी वालों से। अब मुझे ये बताओ, अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको अभी इतना नॉलेज नहीं है, तो किन लोग, इनमें से किसको हराना आसान है, क्रिकेट वालों को, फुटबॉल वालों को, हॉकी वालों को, या बॉक्सिंग वालों को, किन लोगों को हराना आसान है, जल्दी से बताओ। बॉक्सिंग वालों को हराना आसान है, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि उसमें लोग कम है। 100 लोगों को हराना आसान है ना, 1900, पहले हम किससे लड़ रहे थे, हम कह रहे थे 1900 लोग, हमने ऐलान कर दिया कि भाई हम वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट्स की मैं वेबसाइट बनाने लगा हूँ, कौन है जो भी मेरे से मुकाबला करेगा, वो जी सामने पता लगा 1900 की फौज आ गई, ठीक है, वो सारे जी उन्होंने अपने बाजू शाजू डोले छोले बनाए हुए, यूं दिखा रहे हैं कि भाई इधर आओ तुम, वो वेबसाइट बनाने वाले 1900 के 1900 लोग, ठीक है। अब कहोगे भाई अब मेरा क्या बनेगा, ठीक है, तो फिर आप कहोगे सर भाई मेरे से 1900 लोग मुकाबला करने आगे मैं क्या करूं, मेरी वेबसाइट तो कहीं पर भी नहीं जाएगी, ये 1900 लोग तो मुझे हरा देंगे, मार देंगे, ठीक है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो फिर मैं आपको कहूंगा यार तुम 1900 से क्यों लड़ रहे हो, तो कम लोगों से लड़ो, ठीक है। तो फिर क्या करोगे आप, सिर्फ सपोज करो आप कहते हो सर मैंने सिर्फ क्रिकेट पे बनानी है, सपोज करते हैं ना कि आप कहते हो सर मैं चलो कम कर देता हूँ 1000, आप वहां पर ऐलान करते हो कि मैं सिर्फ क्रिकेट पे वेबसाइट बना रहा हूँ, जैसे आप ऐलान करोगे ना उधर उस जंग के माहौल में कि मैं सिर्फ क्रिकेट के वेबसाइट पे बना रहा हूँ, तो फुटबॉल वाले कहेंगे क्रिकेट पे काम कर रहा है यार हमारा क्या मुकाबला, हम तो फुटबॉल बेच रहे हैं, इससे हमारा हमें क्या फर्क पड़ता, चले जाएंगे सारे,
कहेंगे भाई ये बंदा सिर्फ क्रिकेट वाले क्रिकेट पे वेबसाइट बना रहा है, उससे हमारे बिजनेस को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। चले गए फुटबॉल वाले, चले गए हॉकी वाले, कहेंगे हैं सिर्फ क्रिकेट पे, अच्छा ठीक है भाई ये हमारे हमारे मुकाबला इससे है ही नहीं, हमारा तो हॉकी का बिजनेस है। ठीक है वो भी चले जाएंगे छोड़ के जंग का मैदान। बॉक्सिंग वाले वो भी चले जाएंगे, क्यों सिर्फ क्रिकेट पे कर रहे हो काम, तो कौन रह जाएगा? ये सारे बाकी जो है ये भी चले गए, ये भी चले गए, ये भी चले गए, तो अब आपका मुकाबला कितने लोगों से रह जाएगा? सिर्फ 1,000 लोगों को आपने हराना है, सिर्फ 1,000 लोगों को आपने हराना है। ठीक है तुम देखो मकसद क्या है, मकसद ये है कि हमने क्या करना है, जब कम ऑडियंस होगी तो हमें उसके अंदर लोगों को हराना, जितनी वेबसाइट लोगों ने बनाई हुई उनको हराना आसान हो गया है। 1,000 लोगों के हम कहेंगे चलो यार 1900 से तो बेहतर है 1,000, ठीक है इनसे मुकाबला करने की ट्राई करते हैं। ठीक है तो आप इसको मजीद भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अब क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे हैं 1,000 लोग, आप कहते हो सर ये अभी भी ज्यादा है। ठीक है ये सारे कहते हैं तुम क्रिकेट पे वेबसाइट बनाने हो, इधर आओ तुम्हारी हम कुट लगाते हैं। ठीक है तो फिर आप कहते हो सर अब क्या करूं? अब देखो अभी आप इनसे भी कम मुकाबला कर सकते हो, मुकाबला और भी कम कर सकते हो। कैसे? ये देखो ये यहां से 1,000 वालों को, ये जो क्रिकेट पे काम कर रहे थे, ठीक है आप कहते हो वहां पर कि सिर्फ मैं वोमेन क्रिकेट पे बना रहा हूँ, ठीक है उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि वोमेन्स के लिए जो क्रिकेट टीम है सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन दूंगा या उनके बारे में जिक्र करूंगा, ठीक है मैन के बारे में नहीं करूंगा, ठीक है सिर्फ वोमेन के बारे में करूंगा। तो क्या होगा अब 1,000 में से अगर सपोज करो 700 लोग हैं जो कि मैन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लड़कों की टीम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो चले जाएंगे, वो कहेंगे यार ये तो लड़कियों की टीम के ऊपर वेबसाइट बना रहा है या लड़कियों की जो क्रिकेट है उसके ऊपर वेबसाइट बना रहा है, तो ये बाकी जो 700 गए वो हमारा क्या मुकाबला, हमने क्या करना है? वो चले जाएंगे। ठीक है वो कहेंगे हम तो सिर्फ लड़कों के बना रहे हैं, तो बाकी कितने रह जाएंगे? 300 रह जाएंगे ना, तो अब आपका मुकाबला और कम हो गया 300 लोगों का। अब ये समझाने का मकसद क्या है? समझाने का मकसद ये है कि जितना हम कम करते गए कंपटीशन हम कम कर सकते हैं, हम खुद से कंपटीशन को कम कर सकते हैं, हम मजीद डिवाइड कर देते हैं। अब वोमेन क्रिकेट में ठीक है सपोज करो अब सारे के सारे, जरूरी तो नहीं है कि वोमेन क्रिकेट के अंदर बैट बेच रहे हो, ठीक है अब सपोज करो हम कहते हैं कि हम वोमेन क्रिकेट के सिर्फ हेलमेट सेल करेंगे, अब इसमें से जो बाकी बैट बेच रहा है, जो पैड बेच रहा है, जो बाकी चीजें बेच रहा है, वो कहेगा भाई हमारा क्या काम, हमारा क्या काम, वो भी चले जाएंगे, कॉम्पिटिशन और कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन उतना कम करो जितना हमें ऑडियंस भी मिल सके, हमें पता भी हो कि यार हम इतना कंपटीशन कम करते जा रहे हैं क्या मुझे फायदा भी होगा, क्या लोग इसके वोमेन क्रिकेट पर अगर मैं काम कर रहा हूँ क्या इस पे ऑडियंस आती भी है या नहीं, मतलब मैं चीजें अगर बेचूंगा क्या वो लोग लेते भी हैं पाकिस्तान में या नहीं। तो हमने मुकाबला कम जरूर करना है लेकिन ये भी देखना है कि उसके ऊपर कस्टमर हमें कितने मिलेंगे। ठीक है ये चीज सबको क्लियर है तो जल्दी से बताओ। अभी मैं एक और एग्जाम्पल भी देता हूँ फिर आपको और आसान हो जाएगा। ओके जबरदस्त। अच्छा अब मैं आपको आसान सी एग्जांपल देता हूँ, कोई भी टॉपिक को हम नीच में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, आसान सी एग्जांपल देता हूँ। अब सबसे आसान एग्जांपल आपको मैं देने लगा हूं, ठीक है मैं अब सबको से आसान आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। सपोज करो हमारे पास टॉपिक है, आप में से कोई बंदा कहता है कि सर मैंने ना हेयर कटिंग का की वेबसाइट बनानी, हेयर कटिंग काम करना, ठीक है अब हेयर कटिंग पे पाकिस्तान में जितने भी हेयर कटिंग वाले होंगे उन सबसे आपका मुकाबला है। आप कहते हैं सर मैंने मुकाबला कम करना है, आप कम करने के लिए क्या करना है? डिवाइड करते जाओ, हेयर कटिंग फॉर मेन हमने कर दिया सिर्फ लड़कों के, ठीक है सिर्फ लड़कों के हम हेयर कटिंग करेंगे, तो क्या होगा कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। ठीक है अब सपोज करो अगर मैं इसको मजीद कम करना चाहता हूँ, अब लड़कों के पूरे पाकिस्तान में इतने ज्यादा लड़कों के होंगे, हेयर कटिंग फॉर मेन इन लाहौर, अब देखो अब जो कराची में बैठा है हेयर कटिंग कर रहा है, ठीक है उसकी वेबसाइट बनी हुई है,
क्या हमारा उससे मुकाबला है? नहीं, वो कह गए यार वो तो सिर्फ लाहौर में कर रहा है, उससे मुकाबला नहीं, कॉम्पिटिशन हमने खुद ही कम कर दिया। अब इसको मजीद अगर कम करना है, देखो हेयर कटिंग फॉर मैन इन गुलबर्ग, ठीक है। अब देखो मैंने एक छोटा सा एरिया कर दिया, या जोहर टाउन कर सकते हैं या बैरिया टाउन कर सकते हैं, तो क्या होगा? अब ये मैंने जितना इसको डिवाइड किया, ये देखो यहाँ पर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, कितनी ज्यादा हेयर कटर। फिर मैंने जब कहा कि सिर्फ लड़कों का, अब लड़कियों वाले जो थे वो सारे चले गए, उन्होंने कहा हमारा इससे मुकाबला ही नहीं है, हमने उससे मुकाबला ही नहीं करना, ठीक है। फिर जो कराची लाहौर वाले, जो कराची वाले थे, इस्लामाबाद वाले, वो भी सारे आगे भी हम मुकाबला करेंगे, ठीक है। हमने कहा सिर्फ लाहौर में करेंगे, मुकाबला और कम हो गया। फिर हमने कहा लाहौर के अंदर भी सिर्फ गुलबर्ग में करेंगे, मुकाबला और कम हो गया। मतलब हम किसी भी टॉपिक को मजीद डिवाइड करके मुकाबला कम कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, बेसिकली मुकाबले को कम करना है और देखना है कि गुलबर्ग के अंदर क्या बिजनेस है, क्या लोग सर्च भी कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सर्च लोग कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। सपोज करो अब मैं ये अगर अपनी नीचे रखता हूँ, हेयर कटिंग फॉर मैन इन लाहौर, क्या इसको लोग सर्च कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आता है, क्या लोग सर्च कर रहे हैं अगर मैं ये करना चाहता हूँ बिजनेस, ठीक है। तो ये चीज क्या है, लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं, ये चीज हम देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके ऊपर मजीद मैं डिटेल में बताऊंगा लोग कितना सर्च कर रहे हैं, ठीक है, नीच के ऊपर। तो पहली चीज जो थी मैं समझाना चाहता, नीच होती क्या, कि हमने डिवाइड कर रहे हैं ताकि कॉम्पिटिशन कम होता, हमारा कम लोगों का मुकाबला होगा तो जीतना आसान होता है। ये चीज क्लियर है तो बस बता दो, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, जबरदस्त। ओके अच्छा, अब अगली चीज हमें क्या जरूरत है, नीचे में मिल गया, हमें चाहिए डोमेन। हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए डोमेन। डोमेन क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। ये आपको मेरे ख्याल में सबको पता होगा डोमेन का, जिस तरह facebook.com है ये डोमेन है, twitter.com है ये डोमेन है, youtube.com है ये डोमेन है, ठीक है। तो ये जो किसी भी वेब का जो एड्रेस होता है जिसके जरिए हम वेब को एक्सेस कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन सबको पता है, ठीक है, twitter.com, whatsapp.com, जितनी भी वेबसाइट्स आपको पता हैं ये क्या कहते हैं, इनको डोमेन कहते हैं। लेकिन एक मजे की बात यहाँ पर आप लोगों ने कभी नोट की हो, कभी मजे की बात आप लोगों ने नोट की हो तो आप लोगों को पता चलेगा, सर हमने कभी कभी देखा है के डोमेन के आखिर में डॉट कॉम नहीं आता, डॉट नेट आ जाता है, डॉट ओ आर जी आ जाता है, डॉट पी के आ जाता है, डॉट यूएसए आता है। ये कभी देखा है किसी ने, जल्दी से बताओ किसी ने देखा है इस तरह डॉट कॉम के बजाय कुछ और आ रहा हो डोमेन के एंड पे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डोमेन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन क्या होती है, द टर्म यूज्ड एट द एंड ऑफ डोमेन। तो डोमेन के आखिर में आती है ना टर्म, उसको हम कहते हैं डोमेन एक्सटेंशन। ये डॉट कॉम में भी होती है, डॉट डॉट ओआरजी भी आ सकती है, डॉट जीओवी भी आ सकती है, डॉट पीके, डॉट आईएन, डिफरेंट आ सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, ये चीज याद रख लो, इसको कहते हैं डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमने डोमेन लेनी है, ठीक है, मैं कहूंगा अच्छी बात है आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन लो। तो आपने ये पूछना है सर मैं डोमेन की एक्सटेंशन कौन सी लूं, डॉट कॉम वाली लूं, डॉट पीके वाली लूं, डॉट ओ आर जी वाली लूं। तो एक चीज याद रखो, अगर आपने काम करना है, आप चाहते हो पूरी दुनिया के लोग हैं, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पे आए, तो आपके लिए बेटर है डॉट कॉम लो। डॉट ओ आर जी यूज करते हैं, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो तब आप डॉट ओ आर जी लो, ठीक है। डॉट जी ओ वी गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए होता है। डॉट पी के अगर सिर्फ आपने पाकिस्तान के ऑडियंस को टारगेट करना है तो डॉट पी के वाली डोमेन लो, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि आप लोग ये जो काम कर रहे हो तो उसके लिए मैं आप तमाम लोगों को कहूंगा आपने डॉट कॉम वाली ही लेनी है, डॉट कॉम एक्सटेंशन वाली डोमेन लेनी है। ये चीज माइंड में बिठा दो, ठीक है, सबने क्लियर। ओके अब आ जाते हैं हमारे आज के लेक्चर की लास्ट चीज, हमारे आज के लेक्चर की ये लास्ट चीज है, होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है, सपोज करो आपके पास कोई वीडियो है, मैं आपको कहूं कि ये वीडियो सेव कर लो, तो आप कहां सेव करोगे, अपने लैपटॉप में करोगे, ठीक है, लैपटॉप में सेव करोगे या कहीं पर भी सेव करोगे, ठीक है।
अपनी हार्ड डिस्क में सेव करोगे, यूएसबी में सेव करो, कहीं ना कहीं पर उसको सेव करोगे, ठीक है। तो होस्टिंग हम क्या कहते हैं कि वेबसाइट के ऊपर जो चीजें शो हो रही होती हैं, मतलब ये वेबसाइट है, एक कैनवा है, उसके ऊपर पिक्चर शो हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं पर तो सेव होंगी जो हमें शो नजर आ रही है, ठीक है। जिस तरह से एक यूएसबी है, मैं उसको लगाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर कोई मूवी है तो वो मैं ओपन करके देख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो यूएसबी के अंदर सेव है। तो मतलब जो चीजें सेव हों वो हम ओपन करके देख सकते हैं उनको दोबारा, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपका आपके पास एक मूवी है, आपका दोस्त कहता है कि तुम्हारे पास मूवी है, तुम कहते हो हाँ मेरे पास, आपका दोस्त इस्लामाबाद में, आप लाहौर में, आप कहते हो हाँ मेरे पास मूवी है, तो वो कहता है अच्छा ऐसा करो कि मुझे यूएसबी में दे दोगे मूवी, ठीक है। तो आप कहोगे यार तुम इस्लामाबाद में बैठे हो, मैं यूएसबी में तुम्हें कैसे दूंगा, ठीक है। वो कहेगा हाँ यार ये तो बात है, तुम यूएसबी में मुझे कैसे दोगे, मैं तो इस्लामाबाद हूँ, तुम लाहौर हो। अब वो यूएसबी में तो नहीं दे सकता, यूएसबी आपको उसको देनी पड़ेगी, पहुंचानी पड़ेगी, फिर वो उसको लगा के उसको डाउनलोड कर सकता है। लेकिन वेबसाइट में क्या होता है कि ये जो होस्टिंग होती है, ये एक ऐसा सर्वर के अंदर हम चीजें स्टोर करते हैं कि उसके लिए हमें फिजिकली कोई चीज देनी नहीं पड़ती, बल्कि ऑनलाइन एक्सेस हो जाता है उन चीजों का। मतलब एक चीज है, मेरे पास कोई सॉन्ग है, मैं अगर होस्टिंग के अंदर सेव कर देता हूँ, होस्टिंग बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर हम अपना डाटा जो वेबसाइट पे शो करना है सेव कर देते हैं, मैं यहाँ पर अपनी होस्टिंग के अंदर यहाँ पर रख देता हूँ सॉन्ग। अब आप कहोगे मुझे सॉन्ग चाहिए, अब मुझे यूएसबी नहीं देनी पड़ेगी, मैं आपको होस्टिंग का एड्रेस दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते, ठीक है। तो होस्टिंग क्या होती है, ये यूं समझ लो स्पेस है जहां पर आप चीजें सेव कर सकते हो। वो कौन सी चीजें सेव करनी है, जो वेबसाइट पे शो करनी है, वेबसाइट पे अपनी पिक्चर शो करनी है, तो उसके लिए क्या है, होस्टिंग आपको चाहिए। होस्टिंग के अंदर आप पिक्चर शो पिक्चर सेव करोगे, वही पिक्चर आपकी वेबसाइट पे शो होगी, ठीक है, क्लियर। तो होस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, चीजें सेव करते हैं जो वेबसाइट पे शो करानी है। तो इसलिए हमें होस्टिंग भी जरूरी है, डोमेन इसलिए जरूरी है कि वो एड्रेस होगा एक जिससे लोग ओपन करके देख सके हमारी वेबसाइट। ये तीन चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, ये तीन चीजें थी, कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं, किसी भी इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछ सकते हैं। अच्छा हाँ, डोमेन होस्टिंग कहाँ से लेनी है, ठीक है, ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मेरा नेक्स्ट लेक्चर हो परसों होगा, मंडे को नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, तो मंडे को मैं आपको बताऊंगा होस्टिंग लेनी कहाँ से। मैं जो आपको होस्टिंग बताऊंगा वहां से 160 रुपीज की मिलती है, लेकिन आप कहीं और से लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कर लो, मैं वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको लाइव परचेज भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। वो परचेज करके चलो किसी बंदे को मैं दे दूंगा, ठीक है, परचेज करके किसी को गिफ्ट कर दूंगा एक होस्टिंग। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, मैंने आपको कहा ना फाइंड कैसे करना है, हमें पता जब तक नहीं होगा कितने लोग उसके ऊपर डिमांड है तो हम उसको नहीं कर सकते आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको फाइंड करना सिखाऊंगा प्रीमियम टूल के ऊपर, ये एक साल के लिए होगी 160 वाली, मैं बता रहा हूँ वो अच्छी है, वो भी मतलब मैंने अपनी जो ऐसे ही होती है ना फजूल सी वेबसाइट जो सिर्फ क्लाइंट्स को दिखाने के लिए होती हैं, वहां पर मैंने वो लगाई हुई है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी होती, वन पेज वेबसाइट्स होती हैं, जस्ट फॉर सैंपल के तौर पे यूज करता हूं। देखो वो मैंने बताया ना अर्निंग वाले लास्ट तीन प्रीमियम लेक्चर होंगे जो एक्टिव रहेंगे। डोमेन के लिए अभी मैंने कॉन्टेक्ट किया है, मुझे काफी लोग मिले हैं, तो मैं ना वो मेंशन कर दूंगा, फिर आपकी अपनी मर्जी है, जिससे मर्जी लो, उन लोगों से लेना है या कहीं और से लेना वो आपकी मर्जी है, मैं मेंशन कर दूंगा जो लोग मुझे लगते हैं कि क्या प्राइस में दे रहे हैं, मैं लिख दूंगा, ठीक है। ये वाला लेक्चर आज वाला रिकॉर्ड रहेगा, आप लोग बाद में भी सुन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हाउ टू फाइंड निच,
ठीक है, मैं टूल से बताऊंगा ताकि हमें पता चले किस तरह से लोग फाइंड कर रहे हैं, होस्टिंग बेस्ट कौन सी है, प्रीमियम कीवर्ड फाइंड कैसे करने हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें होंगी परसों 10 बजे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, अब तो मैं खुद ही थक गया हूँ। कोर्स कब तक चलेगा इसका भी मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकता, अभी देखते हैं इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि मंथ में कवर हो जाए। देखो, डायनेमिक वेबसाइट हो या स्टैटिक हो, जो होस्टिंग मैं बताऊंगा उसके ऊपर दोनों के लिए सही है, वो चल जाएगी दोनों के लिए। अच्छी है वो, कूपन की वजह से कम है, वरना वैसे 1600 रुपए है मेरे ख्याल में उसके। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर इतना ही है, तो इंशाल्लाह फिर हम परसों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा ग्रुप में विद हैशटैग #BoomBoomWordPress। ओके जी, अल्लाह हाफिज।